सो हेलो फ्रेंड, तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप ही जैसे कई फ्रेंड के द्वारा ये कमेंट बॉक्स में पूछा गया था और कई बार ये इंटरव्यू या एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि हमारा जो ये बॉयलर ड्रम होता है उसमें आप जानते हैं कि दो सेफ्टी वाल्व होता है और इन दोनों सेफ्टी वाल्व का अलग अलग सेट पॉइंट होता है, अलग अलग प्रेशर पर सेट रहते हैं। ये कोई हायर होता है, कोई एक आपका 1 kg कम होगा। ओके, तो ये जो हायर वाले जो होते हैं सेफ्टी वाल्व जिसका सेटिंग हायर होता है वो क्या देखकर होता है, किस साइड का प्रेशर सेटिंग हायर होगा, लेफ्ट का हायर होगा या राइट का हायर होगा, और ये क्या देखकर किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हाउ वी डिसाइड विच सेफ्टी वाल्व राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेट प्रेशर इज हायर। हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉयलर ड्रम जो होता है उसमें लेफ्ट में एक सेफ्टी वाल्व होता है और राइट में भी एक सेफ्टी वाल्व होता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इसका कुछ ना कुछ सेट प्रेशर होता है और दोनों में कुछ डिफरेंस भी रहता है। अगर मान लीजिए कि अगर इसका कुछ है तो इसका कुछ और होगा, मतलब कि कहने का मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक का जो सेट प्रेशर है वो हायर होता है। ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमको राइट का अगर हायर रखना है या लेफ्ट का हायर रखना है, क्या देखकर हम लोग ये चीज को डिसाइड करते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा बॉयलर ड्रम हो गया जिसमें लेफ्ट में एक सेफ्टी वाल्व लगा है और राइट में एक सेफ्टी वाल्व लगा है। तो देखिए, हमारा जो लेफ्ट हो या राइट हो, किस सेफ्टी वाल्व का सेट प्रेशर हायर होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो बॉयलर ड्रम है वो किस साइड इंक्लाइन है। जिस जगह पे बॉयलर ड्रम जिस साइड में इंक्लाइन होता है उसी साइड में जो सेट प्रेशर जो होता है सेफ्टी वाल्व का वो हायर होता है। और हमारा बॉयलर ड्रम किस साइड इंक्लाइन होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारा जिस साइड से सीबीडी लाइन निकला हुआ है, अगर सीबीडी लाइन हमारा लेफ्ट साइड से निकला है तो उस साइड में जो सेफ्टी वाल्व होगा उसका सेट प्रेशर हायर होगा, और अगर राइट साइड से निकला होता तो राइट साइड का जो सेफ्टी वाल्व है वहां पर उसका जो सेफ्टी वाल्व है वो उसका प्रेशर जो है वो हायर होगा। अब देखिए, ये हमारा जो बॉयलर इंक्लाइन होता है वो सीबीडी के लाइन पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किए हैं कि हमारा बॉयलर ड्रम कितना डिग्री इंक्लाइन होता है, क्यों होता है, क्या उसका पर्पज होता है, इन सभी बातों का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में किया है। तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, वो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग मेन टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं फाइनली कि हमारा जिस साइड से हमारा सीबीडी लाइन निकला होता है और हमारा बॉयलर जिस साइड पे इंक्लाइन होता है, क्योंकि हमारा सीबीडी जिधर से निकला रहेगा उधर से ही हमारा जो बॉयलर ड्रम होता है इंक्लाइन होता है, तो उस साइड का सेफ्टी वाल्व जो होता है वो उसका जो सेट प्रेशर होता है वो हायर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक प्रेशर मान लेते हैं कि हमारा जो राइट में जो सेफ्टी वाल्व लगा है वो 100 kg/cm² है और जो लेफ्ट में रहेगा जो लगभग 1 kg का डिफरेंस होता है तो ये आपका 101 है। ठीक है, 101 kg/cm², ये बॉयलर जो प्रेशर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग प्रेशर के अनुसार अलग अलग जो होता है वो सेट प्रेशर होता है। ये जस्ट एक टॉपिक को समझने के लिए मैंने पैरामीटर लिया हुआ है। ओके, तो ये हमने हमारे जो राइट में है वो 100 है और लेफ्ट में 101 kg है, तो ये 101 kg माने हमने इसको हायर इसलिए रखा क्योंकि हमारा सिबडी लाइन जो है वो इधर से निकला हुआ है लेफ्ट साइड से, और जब लेफ्ट साइड से सिबडी निकला रहेगा तो हमारा बॉयलर ड्रम जो होगा वो इसी साइड इंक्लाइन होगा, इसीलिए ये हायर प्रेशर है। तो ऐसा क्यों करते हैं इसको भी समझना जरूरी है। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉयलर का प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, और हाई केस में हमको जो प्रेशर है उसको रिलीज करना जरूरी है, और उसके रिलीज के लिए हमारे पास कई सारे इक्विपमेंट होता है जिनमें से हमारा जो बॉयलर माउंटिंग भी एक आता है जो जिसमें सेफ्टी वाल्व आता है, और वो सेफ्टी वाल्व जब पॉप अप करता है तो हमारा प्रेशर रिलीज होता है। जैसे मेन स्ट्रीम में सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं, बॉयलर ड्रम में लगे होते हैं, और ये मेन स्ट्रीम में जो होता है वो आपका पहले उठता है। ओके, क्योंकि इसका प्रेशर लोअर होता है, फिर ड्रम के लेफ्ट और राइट में लगे होते हैं और इसमें भी जो है अलग अलग प्रेशर रहता है। जैसे अगर मान लीजिए मेन स्ट्रीम का सेफ्टी वाल्व अगर नहीं उठ पाता, ये अगर नहीं उठ पाता तो फिर आपका ये वाला उठता। ओके, और अगर ये भी नहीं उठता तो फिर आपका जो लास्ट वाला जो हायर प्रेशर में वो आपका उठता। ओके, तो अगर मान लीजिए कि हमने अगर इधर का प्रेशर हाई रख देता, ठीक है, अगर मैं इसको 101 kg/cm² कर दूं और इसको 100 कर दूं तो क्या प्रॉब्लम आएगा। ओके, यानी उल्टा कर दिया मैंने। तो देखिए, अगर कुछ इमरजेंसी आता तो अब हमारा सेफ्टी वाल्व किधर का उठता, अगर मेन स्ट्रीम का नहीं उठता तो ये बॉयलर का लेफ्ट हैंड साइड का उठेगा। तो जब हमारा ये सेफ्टी वाल्व उठेगा और हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉयलर इंक्लाइन किया हुआ है और यहाँ पर जो भी हमारा स्लज, जो भी इंप्यूरिटी, जो भी सॉल्ट है वो यहीं पे इकट्ठा रहता है। ओके, यहीं पे रहता है। तो जब हमारा सेफ्टी वाल्व पॉप अप करेगा तो उसके साथ क्या होगा, वो भी
कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी स्लज, जो भी इम्प्यूरिटी सॉल्ट्स वगैरह जाएंगे वो सेफ्टी वाल्व के डिस्क और सीट में डिपोजिट हो जाएंगे, जिससे अगर हम फर्दर बॉयलर ऑपरेशन करेंगे तो हमारा सेफ्टी वाल्व क्या होगा, लीकेज करेगा। और अगर यही लीकेज अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में हमको वहां पे काम करने के लिए हमें बॉयलर को बंद भी करना पड़ सकता है, जिससे हमारा ह्यूज लॉसेस होगा। तो इस लॉसेस को अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, जो सेफ्टी वाल्व का जो सेट प्रेशर होता है, जिस साइड में आपका सीवीडी निकला रहता है, जिस साइड में इंक्लाइन रहता है, उसका जो सेफ्टी वाल्व होता है, उस साइड जो सेफ्टी वाल्व होता है उसका हम लोग हाइयर रखते हैं, और उसका जो अपोजिट साइड होता है यानी कि राइट साइड में आपका लोअर रखते हैं, ठीक है। अगर यही चीज होता है इधर से निकला होता तो ये वाला हाइयर हो जाता और ये वाला लोअर हो जाता, ओके। अब देखिये ये अगर लोअर है तो इमरजेंसी केस में आपका पहले ये उठेगा, फिर आपका ये लास्ट में एकदम उठेगा, ओके। अब देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किए थे कि आपका जो बॉयलर ड्रम जो होता है वो हर जगह इंक्लाइन नहीं होता है, ओके, वो डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिन जगहों में हमारा बॉयलर ड्रम एकदम हॉरिजेंटल होता है, फ्लैट होता है, तो उस केस में किस साइड में हाइयर प्रेशर होगा कैसे डिसाइड करेंगे, तो वहां पर कोई भी जरूरी नहीं है, आपका लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ साल्स इंप्योरिटी होंगे वो पूरा यूनिफॉर्म तरीके से यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने तक फैले रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये मैटर नहीं करता, वहां पर लेफ्ट भी हो सकता है हाइयर प्रेशर और राइट भी हो सकता है, ओके। तो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक था वो आपका क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।